हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ बात करेंगे आज इंडसइंड बैंक की, और इंडसइंड बैंक के ऊपर जिस हिसाब से टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस हिसाब से शेयर की परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने के अंदर 26% तक की रैली इस शेयर ने दिखाई है, और जिस हिसाब से इसने एक बहुत बढ़िया जो ये लेवल दिखाया है, और वहाँ से अगर किसी ने भी माल भरा है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रॉफिट में इस समय होंगे, क्योंकि 808 रुपये का जो लेवल है वहाँ से आज की डेट में ये लगभग आप देखेंगे तो 1109 रुपये पर तैरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये समझिएगा कि आपको 30 से 35% तक के रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए हैं, और इसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ से भी फर्दर इसके ऊपर 1300 रुपये के टारगेट इस समय आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप इस शेयर के अंदर और लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। और मैं बता दूँ, पिछले काफ़ी सालों से जब से कोविड आया है ना, इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी थी। मैं 5 साल का डाटा दिखाता हूँ। ये वो लेवल है जब ये शेयर आप देखेंगे, ये देखिए 313 का वो लेवल है जहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ी और बिग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक टाइम पे ये शेयर बहुत बड़े शेयर हुआ करते थे, जो 2000 की रेंज में घूमने वाले शेयर थे। 1000 से 1100, 1200, 1400, 1500 और 1800 की रेंज में घूमने वाला शेयर एकदम से आपको 313 रुपये पर मिलता हुआ नज़र आता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चमत्कार था, और वहाँ से ये कंटिन्यूसली इस समय अपनी रैली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी इसके ऊपर 1300 रुपये के टारगेट हैं। 1109 पर इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर के इस शेयर ने अपने आप को रिकवर किया है, डेफिनेटली आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि शेयर के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपका पेशेंस है तो पैसा कभी आपका डूबेगा नहीं। यही रीज़न है कि आपको कभी भी गलत शेयर के अंदर पैसा नहीं डालना है। आप फंडामेंटली शेयर को रिसर्च करें, उसके ऊपर स्टडी करें। अगर मेरा चैनल कंटिन्यूसली देखते हैं, डेफिनेटली मैं उन्हीं शेयरों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, और फंडामेंटली जिनके रिटर्न क्वार्टरली बाई क्वार्टरली बढ़िया आते हुए नज़र आते हैं। यानी कि शेयर वो मिलेगा जो भरोसे का होगा और शेयर के अंदर दम होगा। इसी हिसाब से अगर आप मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको इस समय 1300 कि इसके ऊपर बाय की रेटिंग आती हुई नज़र आ रही है, और इस समय ये 1109 पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार को फाइनेंशियली रूप से आपको इसके रिजल्ट्स दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से ये क्वार्टरली बाई क्वार्टरली अपनी मजबूती दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। 85,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 763 का इसका लो है, 1242 का इसका हाई है, और 1108 पर इस समय चल रहा है। मजबूती आती हुई नज़र आ रही है, वो पिछले 2-3 महीनों के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दी है, किस हिसाब से जो एक अच्छा खासा मौका मिला था काफ़ी टाइम से, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर करेक्शन आया था और उसके बाद से फिर से शेयर ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये समझिएगा कि शेयर के अंदर दोबारा से अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, अप्रैल के बाद जो बहुत बढ़िया मौका आया था, अगर आपने माल वहाँ पर भर लिया है तो आप ये समझिएगा इस समय बहुत बढ़िया प्रॉफिट पर बैठे होंगे। मार्केट के अंदर गिरावट का, मौके का इंतज़ार कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, माल भर लीजिएगा, और जब उछाल आए तो निकल जाइएगा। यानी कि आपको भरी हुई स्पीड में माल नहीं भरना है, आपको उस समय माल भरना है जब मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो। इस समय दिवाली का टाइम आने वाला है, पूरी की पूरी मार्केट रॉकेट की तरह भागती हुई नज़र आ रही है। इंडियन इकोनॉमी दिवाली के ऊपर टिकी हुई होती है। जैसी दिवाली बढ़िया जाएगी, पूरे देश के अंदर शानदार मुहूर्त का जो मौका होता है उस दिन अगर आप ख़रीदारी करते हैं, वो थोड़ी बहुत ख़रीदारी मुहूर्त के लिए होनी चाहिए, और बाकी साल आपको इंतज़ार करना चाहिए कि कब आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और यहाँ अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे क्वार्टरली बाई क्वार्टरली की, तो वहाँ देखिएगा किस हिसाब से इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ इस शेयर के अंदर है। आप ये समझिएगा कि आपको आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर तूफान जैसी तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। ये इसके ईयरली बाई ईयरली नतीजे हैं, वहाँ पर भी इतनी बढ़िया 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ये शेयर लंबा जाएगा। जी हाँ जी, लंबा जाएगा।